हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो गाइज़ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो बेटा क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स तो फ्री होते हैं लेकिन एक मोटिवेशन चाहिए होता है ठीक है और वो सब्सक्रिप्शन जो आपका होता है ना एक एक सब्सक्राइबर जो ऐड होता है वो मोटिवेशन होता है एक टीचर के लिए ठीक है तो ज़रूर करें एंड क्विकली लेटस स्टार्ट लेक्चर डी आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको करती है financial assistance या इंडिकेटिव कॉस्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड एट डैश परसेंट टू अदर फार्मर्स यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक्स परसेंटेज के ऊपर सब्सिडी है और बाकी के फार्मर्स जो लार्ज या और कैटेगरी के, के फार्मर्स आ गए उनके लिए बाई परसेंटेज है फॉर एनकरेजिंग देम टू इंस्टॉल ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम अंडर द पी डी एम सी स्कीम टू एनहेंस द कवरेज ठीक है तो आपको बेसिकली सब्सिडी बताना है अब ये आपका पी स्कीम बेसिकली क्या है पर ड्रॉप मोर क्रॉप पी डी एम सी स्टैंड हेयर फॉर पर ड्रॉप मोर क्रॉप तो कितना सब्सिडी सरकार प्रोवाइड करती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को और बाकी के फार्मर्स को ताकि वो ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो इंस्टॉल करें ताकि जो वाटर की प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर के अंदर उसको इंप्रूव किया जा सके सस्टेनेबिलिटी उसके अंदर लेकर के आई जा सके तो आपको बताना है एक्स और वाई की जगह पर क्या आएगा ऑप्शन ए फिफ़्टी फाइव फोर्टी फाइव बी फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव सी फिफ़्टी सेवेंटी फाइव डी सेवेंटी फाइव फिफ्टी और ई नन ऑफ दी अबव अब तुक्केबाजी नहीं चलती इन क्वेश्चनों में इनमें या तो आता है या नहीं आता है तो यहाँ पर सही जवाब क्या है यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए 55 एंड 45 यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 55 परसेंट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी जो भी उनका खर्चा होगा और बाकी के जो फार्मर्स हैं लार्ज मीडियम जो फार्मर्स हैं उनके लिए 45 परसेंट की सब्सिडी रहेगी अगर वो ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के अंडर ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए द गवमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मिश मटीरियल्स सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटीरियल सिंस किस वर्ष से सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटीरियल जो है सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रही है ये सवाल अगर आपने आई बी पी एस सी एफ ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे नबार्ड ग्रेडे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो आपको दिख गया होगा कि वो पूछ लेता है डायरेक्टली स्कीम से कि भाई किस साल में लॉन्च हुई थी है ना तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 2014-15। तो सरकार सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल 2014-15 से इंप्लीमेंट कर रही है और इसका पर्पस क्या है कि जो क्वालिटी सीड्स हैं उनकी प्रोडक्शन को और उनकी मल्टीप्लिकेशन को प्रमोट किया जा सके अच्छी क्वालिटी सीड्स को ठीक है जी तो 2014-15 ये भी आपको याद रखना है बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं तो अल्टीमेटली बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसके अंदर ठीक है अगर आप देखो ध्यान से 2013-14, 14, 15, 15, सोलह सोलह सत्रह एक एक साल का ऐसे गिवन है तो उस वजह से ध्यान रखना है इसका थर्ड क्वेश्चन एज पर द सेंसस 2011 कंडक्टेड बाय द रजिस्ट्रार आर जनरल ऑफ इंडिया सेंसस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है टोटल नंबर ऑफ वुमेन फार्मर कितने हैं एज कल्टीवेटर्स ठीक है वुमेन फार्मर एज कल्टीवेटर आर ऑप्शन ए टू करोड़ ऑप्शन बी थ्री करोड़ ऑप्शन सी फोर करोड़ ऑप्शन डी फोर करोड़ ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव बताएँ जी तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी थ्री पॉइंट सिक्स जीरो करोड़ तो सेंसस 2011 अब देखो 2021 का सेंसस तो डिले हो गया कोविड करके अभी तक अपने पास कोई डाटा उसका आया नहीं है तो 2011 का सेंसस जब तक 2021 का सेंसस नहीं रिलीज हो जाता तब तक 2011 हजार की सेंसस की इंपॉर्टेंस रहेगी अगर कोई ये सोच करके चल रहा है कि नहीं अब दो के सेंसस में से सवाल नहीं आएगा या कोई ये टीचर आपको बोल रहा है कि दो का सेंसस करने की जरूरत नहीं है तो बेटा आप नुकसान में चले जाओगे इनफैक्ट मैं आपको बता दूं अगर 2021 का सेंसस आ भी गया ना तब भी 2011 का सेंसस ज़रूरी रहेगा ताकि आपको एक जो चेंज होता है वो पता रहे ठीक है कि भाई इतना चेंज आया है तो 3.60 करोड़ जो है वुमेन फार्मर एज कल्टिवेटर्स आर देयर रजिस्ट्रेट जनरल ऑफ इंडिया के हिसाब से तो 2011 का सेंसस क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वुमेन फार्मर हु आर वर्किंग एज कल्टीवेटर्स जो एज फार्मर कल्टीवेटर्स काम कर रही हैं 3.60 करोड़ है और एग्रीकल्चरल लेबर की अगर हम बात करें तो 6.15 करोड़ है ठीक है तो 3.60 करोड़ एज कल्टीवेटर्स एक्चुअल लैंड ओनर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर में वुमेन तो का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपसे एज कल्टीवेटर्स पूछ लिया तो मैं एज एग्रीकल्चरल लेबर भी पूछ सकता था वो भी एक क्वेश्चन बन जाएगा तो उसको भी अच्छे से याद रखिएगा फोर्थ क्वेश्चन है इंडिया बिशप सीड्स एक्सपोर्ट करता है बिशप सीड्स होते हैं आपके अजवाइन ठीक है अजवाइन सबसे ज़्यादा किस देश को हम एक्सपोर्ट करते हैं पी के अंदर न्यूज थी बेटा ए सऊदी अरेबिया बी कनाडा, सी नेपाल डी यूके और ई e. यू किस देश को सबसे ज्यादा बिशप सीड्स या अजवाइन हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई यू एस यू को हम सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हम सबसे ज्यादा बिशप सीड्स या अजवाइन जो है एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है तो ये न्यूज़ था रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ अजवाइन तो 2013 से लेकर के 2021 तक देश के अंदर 158% 2013 परसेंट से लेकर के अग, अगर हम अगर अप्रैल दिसंबर 2013 में हमने कितना एक्सपोर्ट किया और अप्रैल दिसंबर 2021 में कितना एक्सपोर्ट किया तो 158% परसेंट का इंक्रीज़ आया है 158 परसेंट का इंक्रीज़ 2013 से लेकर के 2021 तक ठीक है जी तो ये न्यूज़ थी बेसिकली और जो हमारी मेजर डेस्टिनेशन हैं एक्सपोर्ट की यूएसए जिसको हम ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट एक्सपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया ट्वेंटी पॉइंट वन कैनेडा इलेवन पॉइंट टू नेपाल इलेवन और यूके नाइन पॉइंट वन ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिटोपेनियस वेनिमी के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही आता है आई बी पी एस की बात कर लो नबार्ड की बात कर लो किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात कर लो एक आधा क्वेश्चन तो पूछेगा पूछेगा. तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए white लेग श्रिम ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर ये तो आप स्टैटिक क्वेश्चन पूछ रहे हो ये तो आप करंट वाले कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे इजीलिए गए हैं क्योंकि ये करंट अफेयर के अंदर थे ये किसी ना किसी तरीके से न्यूज के अंदर थे ठीक है अब जैसे बिशप सीडा न्यूज़ के अंदर था या जो हमने पीछे भी क्वेश्चन देखे कि आ, आपका कितना परसेंट सब्सिडी दिया जाता है ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर ठीक है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं चाहे वो स्टैट हैं चाहे वो डायरेक्ट करंट के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके पी में से हैं अभी जो हम वीडियोस देख रहे हैं ठीक है तो बेसिकली ये एक्वेटिक क्वारंटाइन फैसिलिटी से रिलेटेड एक पीआईबी के अंदर न्यूज़ थी तो हुआ क्या था बेसिकली आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने ना सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया था मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़िशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग को उन्होंने प्रपोजल दिया था कि वो एक इक्टिक क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाना चाहते हैं एक्टिक क्वारंटाइन फैसिलिटी बेसिकली बनाई जाती है फ़िशीज़ को एक सेपरेट एरिया में रखने के लिए ताकि उनका कोई डिजीज़ या कोई भी बायोलॉजिकल कॉन्स्टेंट जो है वो बाकी के सिस्टम के अंदर स्प्रेड ना हो और ये जो आपकी वाइट लाइक श्रिम्प है ना इसमें डिजीजेस बहुत सारे होने के चांसेस रहते हैं ठीक है तो इसीलिए इसके लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई जाती है ओके तो एक्एटिक क्वारंटाइन फैसिलिटी का अप्रूवल दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश को कि वो लिटोपेनेस वेनेमी यानी कि वाइट लाइक श्रिम्प के लिए एक एक्वेटिक क्वारंटाइन फैसिलिटी बना सकते हैं और ये बेसिकली कहाँ पर बनाया जाएगा बंगर मपिता विलेज है नाकापल्ली मंडला विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेसिकली मेरा यहाँ पर, पर पर्पज था कि आपको स्पीशीज का नाम पता चल जाए बॉटनिकल नेम पता चल जाए और इक्विटी क्वारंटाइन फैसिलिटी कहां पर बनेगी आंध्र प्रदेश के अंदर बनेगी नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी तो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2020 ये भी पीआईबी के अंदर मेंशन था तो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2020 एवरेज मिल्क प्रोडक्टिविटी इंडिजिनस इंक्लूडिंग नॉन डिस्क्रिप्ट कैपिटल डिस्क्रिप्ट कैटल ठीक है जो बेसिकली दोज नो टैग और समथिंग तो बेसिकली इंडिजीनस काओ की मिल्क प्रोडक्टिविटी आपसे पूछी गई है इंडिजीनस काओ की मिल्क प्रोडक्टिविटी तो क्या हो क्या प्रोडक्टिविटी है वो टू पॉइंट जीरो ऐट के जी थ्री पॉइंट जीरो ऐट के जी फोर पॉइंट जीरो ऐट के जी फाइव पॉइंट जीरो एट के जी और नन ऑफ दी अबव ये आपका बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2020 के हिसाब से एवरेज मिल्क प्रोडक्टिविटी इंडिजिन कैटल की क्या है सो द राइट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन बी 3.08 पॉइंट जीरो एट के जी अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन है या तो आता है या नहीं आता है इसके अंदर देखो आप एलिमिनेशन गेस वर्क फलाना ढिमकाना कुछ नहीं कर सकते इधर यू नो इट और यू डोंट नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पचास परसेंट कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करती है किसको बेनिफिशरीज को अगर वो फीड वैल्यू एडिशन यूनिट सेट करते हैं फीड या फॉर्डर बेसिकली जो चारा होता है चारा के अंदर चारा चारे की वैल्यू एडिशन फैसिलिटी उसके अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह ऐड करने का और उसको प्रॉपर स्टोरेज करने का ठीक है टोटल मिक्स्ड राशन जिसको हम बोलते हैं जिसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स uh, को मिक्स किया जाता है ताकि कंप्लीट uh, एक न्यूट्रिएंट डाइट न्यूट्रिएंट रिच डाइट जो है वो कैटल को प्रोवाइड की जा सके एनिमल को प्रोवाइड की जा सके तो अगर कोई भी ऐसा एक वैल्यू एडिशन यूनिट या बेसिकली वैल्यू एडिशन यूनिट जहाँ पर इस तरह के फीड की इस तरह के चारे की प्रोडक्शन की जाती है तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट 50 परसेंट की सब्सिडी प्रोवाइड करती है 50 परसेंट की कैपिटल सब्सिडी कैपिटल सब्सिडी बेसिकली क्योंकि अगर आप कोई प्लांट लगा रहे हो कोई फैक्ट्री सेट कर रहे हो उसके अंदर मशीनें भी लगेंगी उसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी ठीक है तो वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं जो मशीन बिल्डिंग और ये सब के अंदर लगता है पैसा तो पचास परसेंट तक का खर्चा सरकार देगी कितनी वैल्यू तक मैक्सिमम ठीक है अब किसी ने अगर दस हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ये बोल दिया कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर दस हजार करोड़ का कर दिया तो सरकार ये थोड़ी है कि सारे का सारा दस हजार करोड़ उसको दे देगी या दस हजार करोड़ का पचास परसेंट कितना हुआ पाँच हजार करोड़ तो ऐसे तो सरकार लुट जाएगी तो सरकार एक मैक्सिमम वैल्यू भी सेट करती है कि हम तुमको पचास देंगे लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तक तो मैक्सिमम वैल्यू इसके केस में क्या है पचास लाख तो फॉर एग्जाम्पल अब किसी का प्रोजेक्ट है किसी का प्रोजेक्ट 50 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो सरकार कह रही है 50 परसेंट सब्सिडी दे देंगे 50 परसेंट कितना हुआ 25 लाख लो 25 लाख की सब्सिडी दे दी किसी का एक करोड़ का खर्चा हुआ तो सरकार कहती है कि हम 50 परसेंट सब्सिडी देंगे लो 50 लाख पकड़ो अगर किसी का दो करोड़ का खर्चा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर तो सरकार क्या कहती है कि हम फिफ्टी देंगे फिफ्टी कितना होता है एक करोड़ लेकिन सरकार एक करोड़ नहीं देगी सरकार क्या कह रही है कि हम मैक्सिमम पचास लाख तक ही देंगे भाई ठीक है तो मैक्सिमम पचास लाख और फिफ्टी परसेंट ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी कॉमर्शियल फीड्स इंटेंडेड फॉर मीट एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है बेसिकली कॉमर्शियल फीड मैन्युफैक्चरर्स कौन से हो गए जो भी कॉमर्शियल फीड सेल करते हैं ठीक है जो कमर्शियल लेवल के ऊपर फीड को प्रोड्यूस किया जाता है जो फिर जानवरों को खिलाया जाता है चाहे वो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल हो चाहे वो मीट वाले जानवर हो उनको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना होता है ठीक है बी जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के स्पेसिफिकेशन हैं उसको उनको फुलफिल करना होता है ठीक है ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है आपको याद करने की जरूरत नहीं है और उसके बाद उनके ऊपर एक बी का मार्क भी होना चाहिए जैसे आप जो खाने पीने की चीज़ें लेकर के आते हो उसके ऊपर भी मार्क का होता है ना सर्टिफाइड होता है तो उनके ऊपर भी बी मार्क होना चाहिए तो ये जो स्पेसिफिकेशन है बी की और ये जो बी मार्क लगा करके फीड को मार्केट में भेजना है इसको बेसिकली कब से लागू हिंदुस्तान के अंदर किया जा चुका है ठीक है या किया जाएगा ऑप्शन है एक जनवरी 2022 बी एक दिसंबर 2021 सी एक अप्रैल 2022 डी एक जून 2022 ई नन ऑफ द अबव इस तारीख के बाद जो भी ये डेट है इसके बाद जो भी कमर्शियल फीड मार्केट के अंदर आएगा जो भी कॉमर्शियल स्केल के ऊपर चारा मार्केट के अंदर आएगा पैक्ड चारा जो मार्केट के अंदर आएगा उसको बी आई एस ये जो स्पेसिफिकेशन हैं ये जो रिक्वायरमेंट है इनको फुलफिल करना पड़ेगा साथ ही साथ बी आई एस का मार्का भी लगाना पड़ेगा सो द डेट इज़ एक जनवरी दो हजार बाईस ठीक है जी नेक्स्ट जो बजट आया था अभी रिसेंटली दो हज़ार बाईस फेबररी के अंदर उसमें मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है कॉपरेटिव के लिए कम कर दिया गया है पहले क्या होता था कॉप्रेटिव के लिए भी साढ़े अट्ठारह परसेंट होता था मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है देखो जैसे बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं या बहुत सारे इंडिविजुअल या कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं उनमें क्या होता है ना कि टैक्स जो लगता है बिज़नेस के ऊपर या इंडिविजुअल के ऊपर कोई बिजनेस है कोई कंपनी है तो उसके ऊपर टैक्स जो लगता है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर लगता है कि इतना पैसा कमाओगे एग्जम्पन्स भी होती हैं ठीक है उनको राहतें भी मिलती हैं तो क्या देखा गया कि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हो गई जो जिनके ऊपर टैक्स ही नहीं लग रहा था क्योंकि या तो वो उस लिमिट के अंदर नहीं आ रही थी या उनको एग्जेंप्शन मिल गई उनको राहत मिल गई तो टैक्स ही नहीं मिल भरना पड़ रहा था उनको तो सरकार कहती है यार ऐसे तो अपने को बड़ा नुकसान हो जाएगा ठीक है तो सरकार ने कहा कि ऐसी जो कंपनीज हैं या कोपरेटिव हैं जो पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो टैक्स नहीं भर रहे किसी भी तरह का तो उनके लिए एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स हो गया मैट जिसको हम बोलते हैं कि इतना तो आपको टैक्स कम से कम भरना ही पड़ेगा अगर आप टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं भी आ रहे यहाँ पर हम जो एज अ इंडिविजुअल हम पैसा कमाते हैं वो अलग है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपनीज की ठीक है जैसे कॉपरेटिव हो गए कंपनीज हो गए ठीक है बिजनेस हाउसेज हो गए उनकी बात कर रहे हैं तो अगर आप एक का बिजनेस है या आपकी कंपनी है और आप टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं आ रहे आप कॉरपोरेट टैक्स नहीं पे कर रहे तब भी आपको ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे करना पड़ेगा तो कॉपरेटिव भी पे करना होता था अपनी इनकम के ऊपर तो ले, उ, उनको भी साढ़े अठारह परसेंट ने बोला है कि हम साढ़े अट्ठारह परसेंट से कम करके इसको कितना कर देंगे बजट ने कहा है कि पंद्रह परसेंट कर देंगे तो जो फार्मर कॉपरेटिव वगैरह है उसको इसके अंदर काफी एडवांटेज मिलेगा इसी वजह से ये क्वेश्चन पर जो है किया गया है सिमिलरली बजट का एक और क्वेश्चन देखो द बजट announced द रिडक्शन इन सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फ्रॉम 12% to टू सेवन ठीक है अब सरचार्ज क्या होता है बेसिकली एक तो आप टैक्स भर रहे हो अपनी इनकम के ऊपर एक होता है सरचार्ज सरचार्ज बेसिकली जो लोग एक करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उनको सरचार्ज पे करना पड़ता है ठीक है तो जैसे अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक करोड़ से ऊपर पैसा कमाया तो पहले उसको सरचार्ज पे करना पड़ता था अगर किसी एक करोड़ से कम है तो कोई सरचार्ज नहीं है सरचार्ज एक तरह का एडिशनल टैक्स है ठीक है एडिशनल टैक्स आपसे ले रहे हैं अगर आपने एक करोड़ से ऊपर कमाया तो अगर कोई कॉपरेटिव सोसाइटी पहले एक करोड़ से ऊपर कमाता था तो उसको बारह परसेंट सरचार्ज देना पड़ता था बजट क्या कह रहा है कि अगर कोई कॉपरेटिव सोसाइटी अब एक करोड़ से कितना तक कमाता है तो उसको जो सरचार्ज है वो बारह परसेंट नहीं सात परसेंट देना पड़ेगा सो द राइट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन सी दस करोड़ ठीक है तो बेसिकली यहां पर बजट ने क्या बोल दिया कि अब कोई कॉपरेटिव सोसाइटी अगर एक करोड़ से दस करोड़ तक पैसा कमा रही है टोटल इनकम है उसकी तो उसका सरचार्ज अब 12 परसेंट नहीं होगा उसका सरचार्ज कम कर दिया सात परसेंट तो अगेन यहाँ पर जो फार्मर कॉपरेटिव हैं एग्रीकल्चर कॉपरेटिव हैं या जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कॉपरेटिव हैं उनको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर आंसर बेटा सी है आंसर यहाँ पर स्लाइड में मार्ग नहीं है पीडीएफ में मार्क करके दे दूंगा पर अभी के लिए आपको बता दूँ सी इसका आंसर है चलिए सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा इसी तरह से आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे दोस्तों बट आपका एक काम है कि आपने लेक्चर्स को इनक्रेज करना है प्रमोट करना है बेटा पिछले कुछ समय में मैंने भी ये सीखा है और आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अल्टीमेटली अगर कोई अच्छा टीचर है अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ या कोई भी दूसरा टीचर अच्छा लगता है उसको इनक्रेज करें उसको प्रमोट करें तभी आगे चल करके कॉम्पिटेटिव एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर या कॉम्पिटेटिव एजुकेशन के जो टीचर्स हैं वो आपको कंटिन्यूड सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे अदरवाइज जो बड़े जॉइंट्स हैं एजुकेशन के एडटेक कंपनीज के वो इन अच्छे टीचर्स को खा जाएंगे एंड अल्टीमेटली यू विल नॉट गेट द गुड क्वालिटी सर्विस ये एक पक्की बात है तो अच्छे टीचर्स जो भी हैं यूट्यूब पर मेरे अलावा अगर कहीं और भी आपको लगता नहीं यार ये बंदा बंदे में दम है और ये अच्छा टीचर है ये बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो उस टीचर को जरूर इंक्रेज करें ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय